मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपसे मेरा सवाल सीधा यही है सर, अभी कुछ देर पहले हमारे साथ आरिफ मसूद साहब भी जो मध्य भोपाल से एमएलए हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा है कि कुर्बानी हर हाल में होगी, आपकी सरकार लॉकडाउन लगा रही है, अब ये कैसे समन्वय बैठेगा क्योंकि वो तो कह रहे कि हर हाल में कुर्बानी करेंगे फिर। नहीं तो अंजना हाँ। जी लॉकडाउन में कोई भी त्योहार घर के अंदर मनेगा, यदि आप घर के अंदर कुर्बानी देंगे रक्षाबंधन अपने घर के अंदर मनाएं, यही एडवाइजरी है, और कहीं भी सार्वजनिक रूप से ना कुर्बानी होगी ना और कोई त्योहार मनेगा। आप अपने निजी प्रमाइसेज में अपने घर में यदि त्योहार मनाते हैं तो आप मनाइए, और कहीं भी किसी भी स्थान पर 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे, ये सरकार की एडवाइजरी है, इसका पालन होगा। और जहां तक आरिफ मसूद जी का प्रश्न है, उनसे भी बातचीत हो गई है, यहाँ भोपाल के सभी जो जिम्मेदार लोग हैं शहर काजी और बाकी वो आए थे, उनसे बातचीत हुई, वो डेलीगेशन में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरह की कुर्बानी नहीं होगी, घर में या निजी प्रमाइसेज में अपनी निजी संपत्ति पर कोई यदि कुर्बानी करता है, पर उसमें भी सरकार का एडवाइजरी है कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। और इसी तरह रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी घर में मनाएंगे, क्योंकि देखिए भोपाल जिस स्थान पर पहुंच रहा है, कोविड का बड़ा संकट है, आज ये मुद्दा है कि भोपाल को हमें बचाना है, भोपाल को बचाने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया, और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोगों से इस बात की अपेक्षा करूंगा कि सरकार ये लोगों को हर धर्म हर जाति के लोगों को बचाने के लिए काम कर रही है, इसमें सब लोग आगे आए और सरकार की एडवाइजरी को माने, त्योहार को हम संयम में और अनुशासन में मनाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।